ओ गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट, मम्मी पापा वो सब कोई नहीं आए? वो सर कल ना मम्मी पापा का लफड़ा हो गया। हाँ तो? अरे तो उसके लिए मैंने उनको अलग अलग बैठाया है। अगर आप मान लीजिए कि अभी उन दोनों का लड़ाई शुरू हो गया और मम्मी ने पापा को पीट दिया तो मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा, इसलिए मेरे को उनको अलग अलग बैठाना पड़ा। अब समझ गए ना? ओ पॉइंट, गुड पॉइंट, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें एक मार्क्स में, तुम्हारी बदमाशियों को अलग रख के मैं तुम्हें एक मार्क्स इसके लिए जरूर दे रहा हूँ। हाँ थैंक यू सर। तुम्हारे पापा का समझ सकता हूँ मैं कैसा बीतता होगा। पांडू तुम्हारे पापा कहाँ है? हाँ मम्मा पापा आ रहे हैं। ये आदमी ना हर जगह लेट हो जाता है, मैं ही लेके आती हूँ उसको। नहीं नहीं मम्मा चिंता मत करो, मैं बुला पापा ज्वाइन करो। ओए तुम्हारे पापा आ गए शायद। हाँ हाँ मैंने उनको एडमिट कर दिया। ए क्या कर रहे हो तुम पागलों के? देख रहे सर बैठे हुए तुम्हारे सामने, मुड़ो क्या कर रहे हो, फेंको उसको। अरे एक मिनट रुक जाओ, हम उतना गुटका बना रहे हैं। अरे मुड़ते हैं मुड़ते हैं, रुको। नमस्ते। अरे आप यहाँ का कर रहे हो? आपको यहाँ बड़ा तुमको कौन है तुम्हारे? ये मेरे सर है पापा। तुम्हारे टीचर है ये? What? अरे बड़ा तुमको बड़ा है, तुम जानते हो कौन है? चुप चुप एकदम चुप कर, मेरी बीवी है भाई, चुप कर जा, चुप चुप। कौन है पापा ये? अरे भगवान के दर्शन हो गए हमारे तो आज। हमारी दुकान के जगह के पास इसको गुटका मैन के नाम से जाना जाता है। ये क्या बोल रहा है? अरे मजाक कर रहे हैं, ये मेरे स्टूडेंट का जो ये पिताजी है ये मेरा दोस्त है। अरे 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 काहे झूठ बोल रहे हो भाभी जी, आपको पता है क्या, इसको वहाँ पे इतना भयानक भयानक चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे इसको वहाँ पे गुटका प्रोसेसिंग का भगवान कहते थे। अब तुम नहीं बचोगे। अरे नहीं, अरे झूठ झूठ बोल रहे हैं वो, झूठ मजाक कर रहे हैं दोस्त। बेचारा बहुत पीट रहा है बेचारा, और हम अपना गुटखा खा रहे हैं, समझे तुम हमको तंग नहीं करोगे। तुम्हारा पापा ना कहीं जिंदगी में शांति से बैठ नहीं सकता लगता है, या पर्सर को पिटवा दिया। अरे हमने क्या किया है, वो खुद मतलब तुम्हें कोई जवाब नहीं है क्या? हाँ कुछ बोल, कुछ कब क्या हा? बोलना चाहिए तुम्हें नहीं पता है? गलती उसका है, हमने क्या कुछ। आप सब चुप करिए यार, आप प्लीज चुप कर जाइए, चुप करिए आप लोग चुप। हाँ आज मैं पांडू के बारे में बात करने वाला हूँ, वो क्लास में इतनी जो बदमाशी करता है, मेरे को सीरियसली लिस्ट बनानी पड़ी है उसके लिए। हाँ तो मैं अभी जो पांडू के बारे में बात करने वाला था, पहले तो मेरे को ये बात समझ नहीं आता है, जिस बच्चे को आज तक 50-60 के ऊपर आया नहीं है वो इस बार 100 कैसे ले आया? नहीं मैं अपने आपको ना समझ दिखाने का बहुत बुरा कोशिश कर रहा हूँ, पर देन ऑल्सो मेरे को पांडू बेटा आप बता दीजिए आपको 100 कैसे आ गया? अरे सर वो आजकल मैं ना बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ ना, इसलिए आजकल मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ सर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये आजकल बहुत पढ़ाई करता है, रूम में अपने आपको फोन के साथ बंद कर लेगा और फिर जानते अंदर से M416 AKM और ऐसी ऐसी चीज़ें चिल्लाता है। ये मेरे को जितना पता है ये सब कुछ गनों के नाम है, कोई तो पुरानी पुरानी गनों का, तो ये पक्का हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, मैं बता रही हूँ बहुत गनों का नाम चिल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे समझ गए, तुम कोरियन वर्जन पढ़ते हो ना, आजकल बहुत कोरियन वर्जन पढ़ाई हो रहा है मैं देख रहा हूँ, जब से कोई ग्लोबल वर्जन बैन हुआ है कोरियन वर्जन बहुत पढ़ा जा रहा है। समझ गया, मैं देखता हूँ फिर प्रिंसिपल से बात करता हूँ। हाँ तो अगली चीज जो लिस्ट में आती है, मेरे को ये बात तुम पहले पांडू समझाओ, पांडू के आप सबसे ही बोल रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब पांडू के अलग अलग बहाने रहते हैं, जैसे एक बहाना रहेगा कि मेरा सर डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, या मेरा इंटरनेट इशू चल रहा है, दूसरा बहाना देगा कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, और या तीसरा बहाना देगा कि सर मेरे को पेशाब आ गया है, मेरे को पेशाब करने जाना पड़ेगा और फिर 2 घंटा तक क्लास नहीं आएगा। पता नहीं तुमको कितना पेशाब लगता है भाई,
हाँ 2 घंटा का मतलब आपको जैसा पता है कि मैं इन लोग के 3-3 सब्जेक्ट लेता हूँ, तो कम से कम मैं 2 घंटे का क्लास करवाता हूँ कि ये मैं एक सवाल पूछ लूंगा सीरियसली, ये 2 घंटे तक मेरे को क्लास में नहीं दिखने वाला है, ये सीरियसली लीव कर देता है। पेशाब करने के लिए तुम्हें ऑनलाइन क्लास लीव करने का क्या है? तुम्हारी अटेंडेंस इतनी पुअर है, का ही बोले तुमको। बट एक बात मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने उस दिन मेरी एक अलग क्लास में एक बच्ची ने जब क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब्जेक्ट ये टॉपिक ये दोनों इस मतलब ये सीरियसली सब्जेक्ट फिजिक्स है और इसका टॉपिक ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा चैप्टर से आ रहा है जो इन लोग को मैंने अभी तक पढ़ाया भी नहीं है, उससे इसने अचानक से जो सुनिए आप। सो आई हैव वन क्वेश्चन। यस बेटा गो फॉर इट, आस्क आस्क। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी? तुम कहाँ गए? व्हाट द हेल, मैंने तुम्हें एडमिट कब किया? देखा मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी है, टर्मिनल वेलोसिटी कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ईजी है समझो। हाँ सर आप थोड़ा सा रुकिए मैं उसको समझा देने दो। हाँ देखिए देख रेखा, ऐसा है द टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट स्पीड दैट अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली रीचेस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच इट इज फॉलिंग प्रिवेंट्स फर्दर एक्सेलरेशन। समझ गई? ईजी था ना? हाँ पांडू मैं समझ गई। हाँ देखा बोला ना ये तो बहुत ईजी है मेरे लिए, अगली बार साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो ना मेरे से पूछ लेना। ओके चलता नहीं देगा, अलग क्लास लीव कर देगा और 2-3 क्लास नहीं ज्वाइन करेगा ये। और जब वो लड़की ने एक अलग क्लास की लड़की ने जब उसने क्वेश्चन पूछा वो टॉपिक का जो मैंने इनकी क्लास में पढ़ाया नहीं है उसने अच्छा। वो इतना इजीली एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ही बताइए मेरे साथ ही कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक लड़की दोस्त को बताने के लिए भट से आ गया, वो भी मैंने कौन सी जादुई शक्ति है मेरे को पहले तो समझ नहीं आ रहा है, ये शक्तियां मेरे को भी दो, मेरे को भी कुछ लोगों को स्टॉक करना रहता है। क्या बोला तुमने? मजाक कर रहा हूँ मजाक, अरे बच्चे अरे इसका पिताजी मेरा दोस्त है इसलिए थोड़ा मजाक चलता है, आप तुम समझा करो। सर आपको एक बात बताए, क्या आपकी ना कोई इज्जत नहीं है? अरे हम स्कूल का बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे गुटका वाले दुकान के पास तो आपका। अरे आप चुप करिए फिर पिटवाओगे मेरे को, उठा मैं अभी कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ हेडफोन, मेरा हेडफोन मेरी बेटी लेके बैठी हुई है। और उस दिन मैंने अपने क्लास के बच्चों को एक सवाल पूछा कि न्यूटन के सबसे महान डिस्कवरी के ऊपर अपने विचार रखिए, तो ये माई कौन करके कहता है नहीं नहीं सर नहीं 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 सर। अरे चुप करो, तुमको कहना नहीं है ये गाएगा क्योंकि गाना गाया था उसके ऊपर सीरियसली माइक ऑन करके, हम तो बहरे बैठे हैं गाओ। जी पता नहीं जी न्यूटन कौन सा नशा करता है, गिरते हुए एप्पल से वफा करता है, काश एप्पल की जगह सर पे गिर जाते नारियल चार, हम बच्चों पे नहीं कर पाता अत्याचार। अरे क्या गाना गाता है मेरा बेटा, अरे रे आशीर्वाद ले ले भाई मेरा। अरे बेटा एक काम करो, इंडियन आइडल का स्टेज पे जाओ, अपने आप को गरीब बताओ और ये गाना गा दो, अनु मलिक पक्का हार्ट अटैक से मर जाएगा। इसे वाहने और एक और बार गुटखा खा लेते हैं। और ये देखिए ये है इसका हिंदी पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं इसको चेक कर रहा था तो इसने ना अच्छे से आंसर दे रखा था, तो मेरे को लगा कि इस साल ये सुधर गया है, मेरे को लगा कि हाँ इस साल ये सुधर गया है, अच्छे से पेपर लिखा है। बट अब मैंने एक बच्चों का चिंता करते हुए एक क्वेश्चन डाला था जिसमें उनको मैंने बोला था कि अपने ज़िंदगी की फ़नी मोमेंट्स एक्सप्लेन करिए यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब बेसिकली ये मैंने थोड़ा सा मतलब अपने बच्चों के साथ थोड़ा कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन डाला था, तो इसने वहाँ पे लिखा है मेरे सर नालियों में पेशाब कर रहे थे और उन पे कुत्ता भागा और वो उसी नाली में गिर गए। और यहाँ पे भी ये रुका नहीं, और यहाँ नीचे कहानी से क्या सीख मिलती है उसमें इसने लिखा है कि नाली की भी इज्जत होती है, उस पे ऐसे मूता मत करो। बेटा तुमको ये सब बताता कौन है? अरे सर जा रहे हो ना? हाँ जाऊंगा, थैंक यू, इस बार तुम धीरे बोले। सर हमको आपसे एक सवाल था, कल जो आपने अपनी बीवी के फेवरेट साड़ी पे जो गुटखा थूक दिया था वो उनको पता चला? अच्छा तुम थे वो? कुछ भी बोल रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्या, अरे ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रहा,
तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अरे तुमको मेरे इधर आओ। अरे भाई भाई मैं ऐसे नहीं, तूने मेरे को फंसाया, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, अब मैं भी तेरा राज खोलेगा। ए, ए, नहीं नहीं चुप। भाभी जी आपको पता है कल ये आपके बारे में क्या बोल रहा था? जी जी बोलिए बोलिए। ये बोल रहा था कि अगर मैं गाय और सुअर का गोबर एक साथ मिला के उसमें अपना पेशाब ऐड कर दूं तब भी वो मेरी बीवी के खाने से ज्यादा टेस्टी रहेगा। क्या बोल रहे है ये? What the hell? मर्द का आवाज? अब तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेटा बचा ले मेरे को, बेटा भागो भागो भागो। गाइस मेरे को पापा को बचाने जाना पड़ेगा, मम्मी उनको मारने वाली है, मैं चलता हूँ। और तुम लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 200 हिट करने हैं हम लोग को महीने के एंड तक, और लाइक भी कर देना। और मैं चलता हूँ भाई, जल्दी से भागो। मम्मी रुको, मम्मी रुको, आउटर लगाओ कोई। Up till the end, no.